फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार से एमटेक करना चाहते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप गेट क्वालिफाइड है तब आपका हो सकता है, या आप गेट क्वालिफाइड नहीं है फिर भी आपका हो सकता है, वह सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, इसमें आपका एग्जामिनेशंस लिया जाता है उसके अनुसार लिया जाता है या आपका डायरेक्ट एडमिशन्स होगा, यह भी हम लोग इस पर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका काउंसलिंग फ़ी कितना लगने वाली है, एडमिशन्स होने के बाद जो काउंसलिंग होने के बाद आपका जो एडमिशन फ़ी कितना लगेगी, वह भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका बिहार सरकार के द्वारा कब से आपका एडमिशन चालू होगा बिहार एमटेक एडमिशन 2024 में, यह हमको बतलाइए, ठीक है। यह भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि आपका एडमिशन प्रोसेस जो है आपका कब से चालू होगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग डिस्कस कर ले कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है इसमें एडमिशन्स लेने के लिए। अगर आपको एडमिशन्स लेना है तो आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए आपका बीटेक में, ठीक है, जिस भी स्ट्रीम से आप एमटेक करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इससे पहले इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर ले कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। डिस्कस कर लिए हम लोग कि जो आपका सिलेक्शन होगा उसके किसके अकॉर्डिंग आपका जो है सिलेक्शन लिया जाएगा आपका बिहार के एमटेक कॉलेजों में। पहला बात कि जो आपका नामांकन होता है इसमें आपका दो फेज में नामांकन लिया जाता है, ठीक है, फेज वन और फेज टू करके आपका नामांकन लिया जाता है बिहार के एमटेक में, ठीक है। जो पहले फेज होते हैं जिसमें काउंसलिंग हेतु जो अभ्यर्थी गेट क्वालिफाइड है और जिन्होंने निर्धारित कुल प्रतिशत के साथ वांछित विषयों में बी या बी टेक उत्तीर्ण कर लिया है, उनकी वैलिड गेट स्कोर के अनुसार कोटिवार मेधा सूची बनाई जाएगी और इस मेधा सूची के क्रम से अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कहने का मतलब जो स्टूडेंट्स गेट क्वालिफाइड है, ठीक है, जो स्टूडेंट गेट क्वालिफाइड है उनका पहले जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा फेज वन में, ठीक है, उनको जो है पहले एडमिशन्स लिया जाएगा, उनके मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा गेट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट्स का। और एक बात और कि जो आपका बिहार में जो आपका एमटेक का एडमिशन्स होता है उसके लिए कोई भी आपका एग्जामिनेशंस नहीं लिया जाता, नो एग्जाम, सिर्फ आपका फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पहले आपका फॉर्म आएगा उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है, इसके लिए कोई भी आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा, गेट में आप जितना मार्क्स लाए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट जो है आपका तैयार किया जाएगा, ठीक है, उसके अनुसार आपका काउंसलिंग होगा। तो पहला फेज समझ गए कि जो गेट क्वालिफाइड है उनका पहले काउंसलिंग कराया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर वैलिड गेट स्कोर के अभ्यर्थी की काउंसलिंग में चयन के बाद भी कुछ सीटें रिक्त रह जाती है तब वांछित विषयों में अभ्यर्थियों को कुल प्राप्तांक लक्षित कर दूसरे फेज में चयन हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी। कहने का मतलब कि जब आपका पहले जो है आपका गेट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन्स होगा, मतलब काउंसलिंग होगा, उनकी काउंसलिंग होने के बाद अगर आपका वैकेंट सीट बचती है तब जो है आपका विथआउट गेट वाले स्टूडेंट जो है आप मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ सकता है। कहने का मतलब जो गेट क्वालिफाइड है वो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो विथआउट गेट है वो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, दोनों स्टूडेंट को अप्लाई करना है और दोनों स्टूडेंट का एडमिशन्स होगा, लेकिन पहले जो आपका गेट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट का एडमिशन्स होगा उसके बाद जो आपका विथआउट गेट वाले स्टूडेंट का एडमिशन्स होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ गए दोनों में क्या डिफरेंस है, आपका गेट क्वालिफाइड और विथआउट गेट वाले दोनों का आपका एडमिशन्स होगा। अगर किसी अभ्यर्थी के पास वैलिड गेट स्कोर नहीं है तो जिस समय आप वो आवेदन करेंगे वह बीटेक के प्राप्तांक के आधार पर ही करें। कहने का मतलब अगर आप गेट क्वालिफाइड नहीं हैं, ठीक है, और जिस समय आप फॉर्म फिलअप करते हैं पीजीईसी 2024 का जो आपका आएगा तो उसमें जो है आपका अगर आप गेट क्वालिफाइड नहीं हैं तो आप बीटेक के मार्क्स के आधार पर जो है आप फॉर्म फिलअप करें, ठीक है, उसमें आपको सेलेक्ट करना है बीटेक के मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग जो आपको फॉर्म फिलअप करना है, जैसा आप मार्क्स लाए होंगे बीटेक में उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। हम यहाँ पे आपको बतला दें
जो गेट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट के एडमिशन्स होने के बाद लगभग आपका 60-70% सीट बचता है जो विथाउट गेट वाले स्टूडेंट एडमिशन्स लेते हैं, ठीक है। तो जो आप गेट क्वालिफाइड नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर दीजिएगा, आपको भी एडमिशन्स हो सकता है, क्योंकि 60-70% सीट जो आपको विथाउट गेट वाले स्टूडेंट के लिए बिहार में बच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर ले कि आपका कितना जो आपका काउंसलिंग फी लगने वाली है जिस समय आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो आपका जो फॉर्म फिलअप होगा तो उस समय आपको जो है 2200 रुपया काउंसलिंग फी लगने वाली है। अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है या आपका एडमिशन्स नहीं हो पाता है फिर भी आपका यह फी जो रिफंड नॉन रिफंडेबल होता है, या आपको फी जो है आपको वापस नहीं किया जाएगा, आपको इतना फॉर्म भरते समय आपको जो है फी पेमेंट लिया जाएगा 2200 रुपीज, ठीक है। उसके बाद जो है आपका अगर आपका एडमिशन्स नहीं होता है तो आपका फी वापस नहीं होगा। और अगर आपका काउंसलिंग हो गया, आपको कॉलेज मिल गया, जो ब्रांच लेना चाहते हो वो आपको मिल गया, तो जिस समय आपका एडमिशन्स होगा, ठीक है, कॉलेज में जिस समय आप जाइएगा उस समय आपसे 22230 रुपये आपको लिया जाएगा। तो जो आपका एडमिशन्स फी है वो आपका 22230 है बिहार एमटेक एडमिशन्स में, ठीक है। और आपका 2200 जो है आपका काउंसलिंग फी है जो आप यहाँ पे देख लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस कर ले जो मेन इम्पोर्टेंट है किस तरह फॉर्म कब आएगा। अभी आपका जो है 5 अगस्त हो चुका है, आपका PGEC का फॉर्म नहीं आया बिहार में बिहार एमटेक एडमिशन्स के लिए। तो आपका फॉर्म जो है आपका बिहार एमटेक एडमिशन्स के लिए आपको 20 अगस्त से पहले जो आपका आने की फुल संभावना है, ठीक है। आप 20 अगस्त तक वेट कीजिए, 20 अगस्त से पहले जो आपका फॉर्म आने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपका फॉर्म जो आपका PGEC 2024 का आपका आ जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है फॉर्म से रिलेटेड, फॉर्म आपका जो आपका जल्दी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग समरी देख ले कि आपको यहाँ पे क्या क्या डाउट क्लियर किए कि जो गेट वाले हैं या विथाउट गेट वाले हैं दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, दोनों एडमिशन्स ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, पहले गेट वाले के होगा, उसके बाद जो है आपका विथाउट गेट वाले का होगा। गेट वाले के एडमिशन्स लेने के बाद 60-70% सीट आपको बचता है विथाउट गेट के लिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा खासा सीट बचता है आपको। एडमिशन्स फी काउंसलिंग फी आपका 2200 लगेगी और आपका एडमिशन्स फी जो आपका 22230 लगने वाली है। और जो आपका BE/BTECH है उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट है आपका बिहार एमटेक एडमिशन से रिलेटेड, चाहे आपका सीट डिटेल से रिलेटेड हो कि सर जिससे हम एमटेक करना चाहते हैं उस ब्रांच का सीट इसमें बिहार में अवेलेबल है कि नहीं, किस किस कॉलेज में आपका एमटेक का सीट अवेलेबल है, इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बतलाएं कि अगर आपको वीडियो चाहिए सीट मैट्रिक से रिलेटेड तो यहाँ पे हम लोग सीट मैट्रिक से रिलेटेड भी वीडियो लेकर आएंगे। और हम लोग ब्रांच डिटेल्स देख लेंगे कि बिहार में आप कौन कौन से ब्रांच से आप एमटेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।